दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी अध्यक्ष महोदय भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुसार राज्य विशेष रूप से अपनी पहचान इस प्रकार से बनाएगा कि श्रमिकों, पुरुषों, महिलाओं एवं खासकर बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शक्ति का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को आर्थिक व्यवस्थाओं से ऐसे कार्य न करने पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुरूप न हो। बच्चों को विकास के अवसर मिलें, ऐसे साधन मिलें कि वे स्वस्थ रूप से अच्छे वातावरण, स्वतंत्रता के माहौल में गरिमा से प्रगति कर सकें और बचपन तथा युवावस्था शोषण से नैतिक एवं भौतिक परित्याग से बच सकें। इन निर्देशों से बच्चों का संपूर्ण विकास कैसे हो सकता है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पहले से ही कार्यरत हैं। वैसे तो पंचायतें भी इस तरह कार्य कर रही थीं, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के अनुसार उन्हें पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिकार संपन्न समाज के सभी वर्गों, खासतौर से गरीब तबकों का प्रतिनिधि बनाया है। इसलिए इन संस्थाओं की भी बच्चों को उनका हक देने की जिम्मेदारी है। पैराग्राफ महोदय संविधान संशोधन की धारा 243(6) के अनुसार पंचायतें आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने के लिए सौंपे जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित योजनाओं का भी क्रियान्वयन करेंगी। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यूनिसेफ व अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं ने बहुत साहित्य, पुस्तिकाओं व पर्चों के रूप में तैयार किया है। बच्चों को स्वस्थ रखने की कहानी माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। बच्चों की शिक्षा पर देश का भविष्य निर्भर है। बच्चों को शिक्षित करने में भी पंचायतें अहम भूमिका निभा सकती हैं। पंचायतें यह देखें कि बच्चों का स्कूल में दाखिला हो, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल का माहौल ऐसा हो कि अगर उनके माता पिता नहीं भी चाहे तो भी बच्चे जिद करके स्कूल जाएं, क्योंकि बच्चों का स्कूल न जाने का एक महत्वपूर्ण कारण स्कूल का वातावरण रहता है। पैराग्राफ महोदय भारत में रियासत के मिलने या कश्मीर में सेना भेजने के भारत के
अधिकार के बारे में चाहे कोई भी दलील दी जाए, लेकिन पाकिस्तान द्वारा वहां सेना भेजने को सही ठहराने के लिए एक लचर सी दलील भी नहीं दी जा सकती। किसी भी दृष्टि से इसमें कोई शक नहीं कि यह पाकिस्तान द्वारा हमला था और हमें पाकिस्तान पर हमला करने का वास्तविक और कानूनी अधिकार था, लेकिन हमने उन पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान के साथ युद्ध टालने के लिए हम सुरक्षा परिषद में गए, फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो शॉर्ट हैंड के व शब्द चिन्हों के लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।